हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेशन ऑफ स्पेस यूज्ड बाय ए फाइल। मींस हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो, जैसे ये फोल्डर है और यह एक फाइल है, यहाँ पर भी एक फोल्डर है ये और यह एक फाइल है, तो हम जानना चाहते हैं कि यह पर्टिकुलर फाइल हमारे कंप्यूटर में कितना स्थान यानी कि कितना स्पेस लेकर के बना हुआ है। जिस भी किसी भी फाइल या फोल्डर का आप प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, जैसे हम माय कंप्यूटर में चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल और फोल्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, ये तीनों आपके फाइल हैं और ये चार आपके फोल्डर्स हैं। जब आप फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे आपके उस फोल्डर का नाम अपीयर होता है, यहाँ पर देखिए मेमोरी और कब वो बना है वो अपीयर होता है, लेकिन उसका साइज अपीयर नहीं होता। वही जब आप किसी फाइल को क्लिक करते हैं तो उस फाइल की सभी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर नीचे देखिए, इसका नाम है कमेंट, देखिए इस फाइल का नाम कमेंट है और स्लाइड है यानी कि यह एक प्रेजेंटेशन है। इसका साइज 83.7 किलोबाइट है और यह 30/7/2020 को 12 बजे बना हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रेजेंटेशन के विषय में सारी सूचनाएं अपीयर हो रही हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइड्स 5 यानी कि इस प्रेजेंटेशन में टोटल 5 स्लाइड लगे हुए हैं। ऐसे ही दूसरे फाइल को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये फाइल क्या है, एक वीडियो फाइल है जो 30/7 को बना हुआ है और इसका साइज 15.1 MB है। तो इस प्रकार से किसी भी फाइल या फोल्डर का हम स्पेस कितना स्पेस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब कोई फोल्डर है और उसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त करना है कि वह कितना स्पेस लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर दाहिना बटन क्लिक करिए तो सबसे लास्ट में आता है प्रॉपर्टी। आप इसे जैसे ही ओपन करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन हो जाता है और ये सभी फाइल और फोल्डर के लिए ओपन होता है, जिसमें ये बताया जाता है। पहला यहाँ देखिए जनरल ऑप्शन होता है, तो इसका नाम है मेमोरी, यहाँ पर देखिए नाम है मेमोरी, आप यहाँ चेंज करेंगे तो यह भी नाम चेंज हो जाएगा। टाइप है क्या, तो ये फोल्डर है। दूसरा लोकेशन कहाँ है, तो ई ड्राइव में है, ये देखिए ऑलरेडी यह ई ड्राइव में बना हुआ है। साइज क्या है, 143 MB यानी कि इतने बाइट्स, ठीक है। और साइज एंड डिस्क वो भी अपीयर होता है जो सेम होता है लगभग। और कंटेनर यानी कि कितने फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर है, तो स्टूडेंट्स यहीं से सूचना आपको मिल जाती है, इसके अंदर 26 फाइल्स हैं और एक फोल्डर बना हुआ है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर दिखाई देगा। कब बना हुआ है, तो ये संडे को 9 अगस्त 2020 को 10:16:50 पर बना हुआ है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रीड ओनली या हिडन, यानी कि इस प्रकार के फोल्डर को हम सिर्फ ओपन करके देख सकते हैं, ओनली अप्लाइज टू फाइल इन फोल्डर। और अगर हम इस हिडन ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यह पार्टिकुलर फोल्डर हाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से एक फोल्डर के विषय में कंप्लीट सूचना आपको प्राप्त होती है। ऐसे किसी भी ड्राइव के विषय में भी वह सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ पर दाहिना बटन क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कंप्लीट सूचना आपको मिल जाएगी। यह लोकल डिस्क है, NTFS इसका फाइल सिस्टम है और यूज्ड स्पेस इतना है, फ्री स्पेस इतना यानी कि 102 GB फ्री है और प्रयोग हुआ है 536 MB। यह एक बार चार्ट यानी कि पाई चार्ट से भी ऐसे डिनोट किया जाता है कि कितना यूज्ड है और कितना फ्री स्पेस है। और उसके नीचे दो और ऑप्शन होते हैं और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मेनूज भी होते हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के सेटिंग इस ड्राइव पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, किसी भी फाइल या फोल्डर के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस क्या है, उसकी फाइल की प्रॉपर्टी क्या है, वो हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानकारी कर सकते हैं कि वो फाइल किस प्रकार की है। जैसे इस फाइल के विषय में हमको जानना है कि ये कैसी फाइल है, तो इसके ऊपर दाहिना बटन क्लिक करिए, यहाँ पर लिख रहा है टाइप ऑफ फाइल वेव या वीडियो फाइल, यानी कि यह एक वीडियो फाइल है जो हमेशा वीडियो यानी मीडिया प्लेयर के साथ ओपन होगा। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम डिटरमाइन करें स्पेस जो किसी फाइल या फोल्डर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। थैंक यू।